हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसा हेयर मास्क बनाएंगे जिससे हमारी हेयर की जो लेंथ है ना, ये काफ़ी जल्दी ग्रो करने लगेगी। और इस मास्क को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है जो कि हम सबके घर में इजीली अवेलेबल होती है, और आपको बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस मास्क को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ एक कटोरी चावल लिया है, मैंने इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। यहाँ मैं सोक कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे बॉईल करके उसका पानी भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ओवरनाइट भी इसे सोक करने के लिए रख सकते हैं। मैं इसे 3 घंटे तक के लिए सोक करने के लिए रख दूंगी। 3 hours later 3 घंटे हो गए हैं और अब मैंने इसमें से चावल निकाल लिया है, और ये जो पानी है मैं इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल लूंगी। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो हम जैसे ऑयल लगाते हैं आप वैसे भी लगा सकते हैं, बट स्प्रे बॉटल से ना क्या होता है कि वो लगाने में काफ़ी आसान हो जाता है। और हमें ना इसे ड्राई बालों में ही अप्लाई करना है, आपके बाल ऑयली नहीं होना चाहिए। हमने इसमें राइस वाटर का इस्तेमाल किया है। राइस वाटर हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये हमारे बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये एक स्पा की तरह भी काम करता है। यहाँ मैं स्कैल्प में लगाने के बाद अपने हेयर लेंथ पे भी लगा रही हूँ, और अपने फिंगर टिप के हेल्प से उसे अच्छे से मसाज कर रही हूँ। इस वाटर हमारे बालों को फास्ट ग्रो करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी देता है। इसे वीक में एक बार लगाना प्रेफर करती हूँ। अपने हेयर लेंथ और स्कैल्प में अच्छे से लगा लिया है, अब मैं बन बना के इसे कुछ देर के लिए रख दूंगी। 30-40 मिनट्स हो गया है मेरा लगाया हुआ, तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से शैम्पू और कंडीशनर के हेल्प से इसे वॉश कर लूँगी। मैं 30-1 hour के ड्यूरेशन तक के लिए ही इसे लगा के रखती हूँ। अगर आप इसे ज़्यादा देर रखोगे ना तो फिर हेयर जो है हमारे वो हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। और अब हम इसे नेचुरली ड्राई होने के लिए देंगे, और बाल ड्राई हो जाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और मैनेजेबल लगेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।